आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप टेली से किसी भी चीज़ को लाइक इनवॉइस, लेजर या फिर कोई भी चीज़ हो, आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसको बार बार एक्सपोर्ट पाथ सेट करना पड़ता हो या फिर चेंज करना पड़ता हो। तो हम ये कैसे सेट करेंगे कि हम जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें तो हमारा एक स्पेशल पाथ पे जाए, ताकि हम उस फोल्डर में जाके देखें तो हमारा वहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा आ चुका हो, जो भी चीज़ें हमने डेली से एक्सपोर्ट करी है। तो वो सेट करने के लिए पहले आपको गेटवे टेली में आना है। देन आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसका शॉर्टकट की ऑल टी है, ऑल टी प्रेस कीजिएगा। देन आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, एंटर, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सा हो रहा होगा लोकेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फाइल, यहाँ पे आपको पाथ सेट करना है, यहाँ पे एंटर करना है आपको। हमारा ऑटोमेटिक जो भी पाथ हमारा सेव है वो सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेलीप्रैप, जो ऑटोमेटिक सेट रहता है, तो आप यहाँ से पाथ चेंज कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं करके, हम यहाँ पे कोई किसी का पाथ कॉपी कर लेते हैं अपने फोल्डर में, दिस पीसी सी ड्राइव, हम यहाँ पे फोल्डर बना लिए हैं पहले से डेली एक्सपोर्ट डाटा, इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन आपको आना टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आने के बाद उनका पाथ कॉपी कर देना, स्पेसिफाई पाथ, एंटर एंटर, और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। हमने सेव कर दिया। अब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कीजिएगा डेली से, तो हमारा जो हमने पाथ में कॉपी किया था उसी फाइल के अंदर एक्सपोर्ट होगा। मैं यहाँ कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बिल ओपन कर लिया, आप सिंपली एक्सपोर्ट करने के लिए ऑल टी एंटर और यहाँ सेंड पे क्लिक कीजिएगा। हमारे इनवॉइस एक्सपोर्ट हो चुका है। हम ये देख लेते हैं कि हमने जो पाथ सेट किया था उसी पाथ में एक्सपोर्ट हुआ या फिर कोई अलग पाथ में। तो हम फोल्डर में आ जाते हैं, ये देखिए सी ड्राइव डेली एक्सपोर्ट डाटा हमारा इसी फोल्डर के अंदर एक्सपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से आपको बार बार पाथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जब भी आप कुछ भी डेली से एक्सपोर्ट कीजिएगा एक ही फाइल के अंदर एक्सपोर्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली जीएसटी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।